الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران اسلام، اس وقت پوری امت محمدیہ جس نازک دور سے گزر رہی ہے اور جن حالات کا شکار ہے، وہ حالات اور وہ نازک دور ہم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. ہم خوب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم حالات اور پریشانیوں کا شکار ہو چکے ہیں، مصیبتوں کے دلدل میں ہم الجھ چکے ہیں. ہر نیا دن ایک نئے فتنے کو لے کر، ایک نئی آزمائش کو لے کر، ایک نئی تکلیف کو لے کر، ایک نئی پریشانی کو لے کر ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی فتنہ ہمارے سامنے کھڑا ہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فتنہ کہتے کس کو ہے اور فتنے کے کیا معنی. عربی زبان میں فتنے کے اصل معنی ہے سونے چاندی کو آگ میں جلا کر اس کی پرکھ کرنا، اس کے کھرے اور کھوٹے ہونے کو پہچاننا، اس کو عربی زبان میں اصل میں فتنہ کہا جاتا ہے. بعد میں یہ لفظ آزمائش کے معنی میں استعمال ہونے لگا. جس طرح آگ میں جلانے سے سونے چاندی کے کھرے اور کھوٹے ہونے کی پرکھ کی جاتی ہے، اسی طرح فتنے کے دور میں، فتنے کے زمانے میں انسان کے ایمان اور نفاق کی پرکھ کی جاتی ہے کہ کون ایمان والا ہے اور کون ایمان سے پھرا ہوا ہے، کافر ہے. بہرحال اس وقت ہم حالات کا شکار ہو چکے ہیں، مصیبتوں کے دلدل میں ہم الجھ چکے ہیں، پریشانیوں کے بادل ہم پر چھائے ہوئے ہیں. اور مدتوں پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں اپنی امت کے سامنے بیان کی تھی، آج ایک ایک کر کے وہ تمام باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. صاحب مشکات نے روایت نقل کی ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. قریب ہے، قریب ہے کہ تم پر ایسا زمانہ آئے کہ اسلام فقط نام کا باقی رہ جائے گا. آج سوچئے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں کہ اسلام صرف نام کا باقی رہ جائے گا. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، اور قرآن کریم کے حروف باقی رہ جائیں گے
पढ़ने वाला, समझने वाला, अमल करने वाला, मोहब्बत करने वाला कोई न होगा। और तीसरे नंबर पर फरमा मसाजिदुहुम आमिरतुन, मस्जिदें खूब शानदार और आलीशान बनेगी मगर हिदायत से वो कोरी और खाली होगी। इसी तरह हजरत तौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा जमाना आएगा कि गैर इस्लामी ममालिक इस्लामी मुल्कों पर कब्जा पाने के लिए आपस में एक दूसरे को ऐसे बुलाएंगे, ऐसे दावत देंगे जैसे दस्तरखान पर खाने के लिए बुलाया जाता है। सहाबाए किराम पूछते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? फरमाया, नहीं नहीं, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन हैसियत ऐसी हो जाएगी जैसे वो कचरा जो तेज बहने वाले पानी के सामने पड़ा हो। पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों होगा? फरमाया, दो वजह से, कि तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे और मौत से घबराने लगोगे। इसी तरह मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बादिरु बिल आमाली फितनन कक़िताइल लैलिल मुस्लिम, उन फितनों के आने से पहले नेक आमाल में जल्दी करो। कौन से फितने? कैसे फितने? कक़िताइल लैलिल मुस्लिम, जो तारीक रात की तरह, अंधेरी और सिया रात की तरह होंगे। उन फितनों के जमाने में, दौर में क्या होगा? इरशाद फरमाया, युस्बिहुर रजुलु मुमिना वयुमसी काफिरा वयुमसी मुमिना वयुस्बिहु काफिरा, के इंसान सुबह में मुमिन होगा, शाम तक वो काफिर हो जाएगा। शाम को मुमिन होगा तो सुबह इस हालत में करेगा कि उसके दिल से ईमान रुखसत हो चुका होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत करेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे फरमाते हैं, यबीउ दीनहु बिअर्ज़िन मिनद्दुनिया, मामूली दीन के बदले इंसान, मामूली दुनिया के बदले इंसान अपने दीन का सौदा कर देगा। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक और रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब ऐसे फितने नमूदार होंगे, जाहिर होंगे, कि इन फितनों में बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा, खड़े होने वाला चलने वाले से, चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो बंदा इन फितनों की जानिब लपकेगा, मुतवज्जे होगा, वो फितना उस बंदे को अपनी आगोश में ले लेगा, और जो इन फितनों से पना चाहेगा अल्लाह ताला उसको पना अता फरमाएंगे। हजरत इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाही अलैह ने तिर्मिजी शरीफ की दूसरी जिल्द में सफा 44-45 पर हजरत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु के रिवायत नकल की है, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 15 कामों पर बला और अजाब की वाहिद सुनाई है। फरमाया, इधर तो फिजल फई को दूला, के जब गनीमत के माल को दौलत समझा जाने लगे, वल अमानतु मगनमा,
अमानत को गनीमत समझकर लोग हड़पने लगे, इस्तेमाल करने लगे, उसमें खयानत होने लगे। वज़्ज़कातु मगरमा, ज़कात को तावान, टैक्स, बोझ समझा जाने लगे। वअताअर रजुलु ज़ौजतहु वअबका उम्मुहु, के इंसान अपनी बीवी का गुलाम बन जाए, उसकी इताअत करने लगे और उसके मुकाबले में अपनी वालिदा के साथ बदसुलूकी करने लगे, नाफरमानी करने लगे। वबर्र सदीकहु वजफा अबाहु, अपने दोस्तों के साथ अच्छा सुलूक करे, रात रात भर उनके साथ गुजर बसर करे, उसके मुकाबले में अपने बाप के साथ बदसुलूकी करे। आदमी का एहसास और इकराम उसकी शरारतों से बचने के लिए किया जाए। वर्तुतियातिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदों में शोर और आवाज बुलंद होने लगे। वकान ज़ईमुल क़ौम अरज़लुहुम, कौम का रईस और नुमाइंदा घटिया और नाअहल आदमी को बनाया जाए। और शराब की कसरत होने लगे, मर्द रेशमी लिबास पहनने लगे, नाच गाने की चीजें आम हो जाए, और आखिर में आने वाले लोग अगले गुजरे हुए लोगों पर तानो तशनी करने लगे। जब ये काम होने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम पर बलाएं, मुसीबतें, आजमाइश, परेशानियां एक एक करके आने लगेगी, अब तुम इंतजार करो जलजलों की कसरत का, तुम इंतजार करो सुर्ख आंधियों के चलने का, तुम इंतजार करो जमीन में धसाए जाने का, शक्लों और सूरतों के तब्दील हो जाने का, बलाएं और मुसीबतें ऐसी नाजिल होगी जैसे तस्बीह का धागा टूट जाए और दाने एक एक करके गिरने लगते हैं। मेरे भाइयों, ये चंद रिवायतें मैंने आपको बयान की। इन रिवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से बरसहा बरस पहले जो बातें पेश की थी, बयान की थी, क्या ये बातें आज हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे? आज हम हालात का शिकार हो गए। कुरान करीम कहता है, इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، کہ اللہ رب العزت کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلے، اور جب کسی قوم کے ساتھ رب کائنات برا ارادہ کر لے، یعنی اس کے تباہ کرنے کا، ہلاکت کا ارادہ کر لے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ और सूरे रूम में 21वें पारे में इरशाद फरमाया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास, के खुशकी और तरी में जो कुछ भी फितना और फसाद जाहिर होता है वो लोगों के हाथों के किए हुए के सबब होता है। और एक जगह इरशाद फरमाया, वमा असाबतुम मिन मुसीबत फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर, के तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे बुरे आमाल ही के सबब हुआ करती हैं। रब्बे कायनात तो फरमाते, तुम्हारी कितनी मुसीबतों को हम अपने फजल व करम से मुआफ कर देते, टाल देते। बहरहाल सवाल ये होता है कि ये वो उम्मत जिसको उम्मते मुहम्मदिया कहा जाता है, ये वो उम्मत है जिसको खैरे उम्मत का खिताब मिला, ये वो उम्मत है जो अखीर में आई और सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी, ये वो उम्मत है कि जिनके नाम से बातिल ताकतें थर थर कांपती थी,
जिनके सामने कैसर और किसरा जैसी उस वक्त की सुपर पावर ताकतों ने घुटने टेक दिए, ये वो उम्मत थे कि जब जंगल में ललकारती है तो वक्षी जानवर भी उनके साथ उनके ताबे होकर चलने लगते। तो आज इस उम्मत का सवाल क्यों हो गया? आज ये उम्मत जिल्लती की तरफ क्यों चली गई? ये उम्मत पस्ती की तरफ क्यों आ गई? ये उम्मत बलाओं का, मुसीबतों का, परेशानियों का, फितनों का शिकार क्यों हुई? चंद बातें मैं साफ साफ कहूंगा, किसी को बुरा लगे तो माजरा। ये उम्मत पर जो कुछ हालात आए उसकी पहली वजह तालीम और कुरान करीम से दूरी, कुरान से दूरी, कुरान पाक की तालीम से दूरी। आप अपने सर को झुकाकर जारी डाले कि हम में से कितने बंदे ऐसे हैं कि शव्वाल से रमजान तक में भी एक कुरान खत्म कर दे, कोई नहीं मिलेगा। गिने चुने अपराध ऐसे होंगे कि साल में भी एक कुरान खत्म नहीं होता, और रमजान मुबारक में भी क्या हाल है। पहले तो कुरान पाक पढ़ने वालों की बड़ी जमात और तादाद हुआ करती थी, और अब हाल क्या है कि कुरान मुद्दतों से ताकों में धूल खा रहा। अफसोस सर अफसोस, फजर की नमाज पढ़कर जब पहले निकलते थे, हर घर से कलामुल्लाह शरीफ की आवाज की तिलावत मोहल्लों में गूंज जाया करती थी, और आज इस उम्मत का हाल यह है कि रात रात भर गाने में, लहु लईब में, हुजूर में, लायानी में गुजार देते हैं। नौजवान पबजी के पीछे दीवाना बना है, मर्द और औरतें मुख्तलिफ सीरियलों के देखने में रात गुजार देते हैं, और फजर की नमाज बिस्तर की नजर हो जाती है। न नमाज न तिलावत, और फिर कहते बरकत नहीं, हालात है, परेशानियां हैं। तो हालात हमने खड़े किए, परेशानियां हमने खड़ी, हमारे रब से रिश्ता हमने तोड़ा, हमारे नबी की तालीमात से रिश्ता हमने तोड़ा, और हम कसूर किसी और का निकाल रहे। कुरान करीम के भी कुछ हुकूक कि महीने में एक खत्म किया जाता, वरना अल्लाह के बंदे कैसे गुजरे महीने में एक, महीने में तीन, हफ्ते में एक खत्म करने वाले, बल्कि रोजाना एक, रोजाना दो खत्म करने वाले। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी तो लिखते हैं यहाँ तक के ऐसे भी बंदे हुए कि जो रोजाना 8 कुरान मुकम्मल किया करते थे। अकदरुल मंदूर ने यह बात लिखी, उस बंदे का नाम भी लिखा है, तो कौन था जो रोजाना 8 कुरान 240 पारे। और हमारा हाल ये है कि हमने कुरान पाक को तावीज़ की किताब समझ लिया, हमने कुरान पाक को बरकत के लिए घरों में रखा, वरना कभी खोल कर देखने की तौफीक नहीं होती। फज़ाइल कुरान के शुरू में हजरत शेख ने हजरत इकरमा का कौल लिखा है कि जब वो कुरान पाक को खोला करते थे तो हाजा कलाम रब्बी, हाजा कलाम रब्बी कहकर चीखे मार मार कर रोया करते थे। यही हाल है जिस तरह हमने कुरान करीम से मुंह मोड़ा, कुरान पाक की तालीम से भी मुंह मोड़ लिया। आज बातिल ताकतें हमारे ईमान को छीनने के पीछे पड़ी हुई है, और उनका जो सबसे मजबूत हथियार है वो यही हथियार है कि मुसलमानों को कुरान करीम की तालीम से दूर रखा जाए, और इस हथियार में वो एक हद तक कामयाब हो गए। हजरत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह
उनकी दो तीन बातें बड़ी काम की मैं आपको बताऊं। एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि अगर कहीं से कोई बच्चा अगवा कर लिया जाए तो पूरे इलाके में शोर होता है, और खुसूसन जब के वो बच्चा दूसरी बिरादरी का हो तो दंगा और फसाद का भी अंदेशा होता है। हजरत फरमाते हैं कि आज मुसलमान माँ बाप की गोद से हमारे बच्चे बड़ी आसानी से उछके जा रहे हैं, हमें एहसास भी नहीं। और एक मर्तबा आपने इरशाद फरमाया कि बच्चा बीमार हो जाए तो उसका अच्छे से अच्छा इलाज कराने से बेहतर, उसको पढ़ा लिखा कर नौकरी के लायक बनाने से बेहतर, उसको ईद के मौके पर उम्दा से उम्दा लिबास दिलाने से बेहतर है कि उसको सच्चा पक्का दीनदार मुसलमान बनाया जाए। एक कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए हजरत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, बहुत काम की बात है, जरा ध्यान से सुने, फरमाया था बच्चे का बचपन में मर जाना बेहतर है इससे कि बड़ा हो और दीनी तालीम से कोरा हो, खुद भी जहन्नम में जाए और माँ बाप को भी जहन्नम में ले जाने का सबब बने, इससे तो बेहतर है बच्चे का बचपन में मर जाना। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोदरवी रहमतुल्लाह अलैह से खुद मैंने एक वाकया हमारे यहाँ दारुल उलूम अशरफिया के जलसे में सुना था। हजरत ने ये बात 2006 में बताई थी, बहुत पते की बात। फरमाया कि मैंने स्कूल की पहली क्लास की किताब, गुजराती की किताब हाथ में ली, मैंने उसको खोला तो अमूमन जो पहला सबक होता है वो चंद अशार का मजमुआ, जिसको गुजराती में कविता कहा जाता है, उसका जो उन्वान था तो एक लड़की की तस्वीर बनी है और एक सूरज की शक्ल है और वो लड़की उस सूरज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है और उसका उन्वान था हूं तने नमन करूं छू, उसका उन्वान ये था हूं तने नमन करूं छू, यानी मैं तेरे सामने झुकता हूं सजदा करता हूं। अब ये चीज हमारे बच्चों को याद कराई जाती है, आप जानते बच्चों का दिल और दिमाग इंतहाई दर्जे का साफ हुआ करता है। मालूम हुआ कि बच्चे के जहन में पहले से ही इर्तिदाद का, कुफर का बीज बोया जा रहा है और हम गफलत में हैं। हमारे उस्ताद हजरत मौलाना मुफ्ती कलीम साहब ने एक वाकया हमको सुनाया था, उन्होंने ये वाकया हजरत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह से खुद सुना। हजरत फरमाते मौलाना असद साहब के मैं बेंगलोर का सफर कर रहा था, गाड़ी में बैठकर हम जा रहे थे तो बीच रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था, एक बच्चा जो स्कूल से घर जा रहा था तो उस बच्चे ने वो पत्थर हटाकर साइड पर रख दिया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कितना अच्छा काम किया, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना भी ईमान। तो मैंने गाड़ी रुकवा दी, नीचे उतरा और बच्चे को पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। बच्चे ने अपना नाम बताया, अपने बाप का नाम बताया, जिससे पता चला कि वो मुसलमान बच्चा है। मैंने कहा बेटा तुमने बड़ा अच्छा काम किया, एक तकलीफ देने वाली चीज को तुमने रास्ते से हटा दिया। अब उसका जो जवाब था, हजरत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं तो सर पकड़ कर बैठ गया। क्या जवाब था मुसलमानों सुनो, जवाब ये दिया कि हाँ हमको हमारे गॉड ईसू ने यही तालीम दी है। वो मुसलमान बच्चा है लेकिन क्या कह रहा है, हमको हमारे गॉड ईसू ने यही तालीम दी है। तो आज बातिल ताकतें इसमें बड़ी कामयाब हो गई कि हमें हमारे ईमान को जहर आलूद किया जाए, हमारे ईमान को खराब किया जाए, और उसके लिए उन्होंने ये दुनियावी तालीम को सबसे बड़ा हथियार बनाया है।
और हम भी दुनियावी तालीम के पीछे ऐसे अंधे हुए। मैं साफ कहूंगा, किसी को बुरा लगे तो लगने दो, हम ना नहीं कहते दुनियावी तालीम हासिल कीजिए, हम इनकार नहीं करते, आज हमें हर चीज की जरूरत है, लेकिन दीनी तालीम की कितनी फिक्र है। दुनियावी तालीम कब्र में काम आने वाली नहीं है। कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा कि 50 में से 45 जाए तो कितने बचते हैं। कब्र में कौन सी चीज काम आने वाली, कब्र में कौन सी चीज साथ देने वाली है। अगर स्कूल का वक्त 7 बजे का हो, और ऐसी सर्दी में आप जानते हैं कि 7 बजे का वक्त यानी फजर के बाद फौरन, तो बच्चे को 6 बजे उठाकर तैयार कर दिया जाता है, नहला धुलाकर उसको भेजा जाता है, साफ सुथरे लिबास में उसको रवाना किया जाता है, उसके बालों को भी बराबर किया जाता है। और अगर मदरसा 7:30 का भी हो तो बच्चा आता है 8 बजे, 8:15, और अगर उस्ताद खुद कह दे तो माँ बाप आस्तीन चढ़ाते हुए उस्ताद से लड़ने के लिए आते हैं। न बच्चे के लिबास का ठिकाना, एक पाए का ऊपर एक नीचे, पाए हाथ में बगैर वजू के ही सिपारा पकड़ लिया और चला गया। हमने दीनी तालीम से बेरुखी इख्तियार की, हमने दीनी तालीम पर दुनियावी तालीम को कौमियत और तरजीह दी है। नतीजा ये निकला कि आज हम हालात का शिकार हो गए, परेशानियों की जाल में गिरफ्तार हो गए, और कहते बरकतें नहीं, हालात है, परेशानियां है, ऐसा है वैसा है। तो हमारे हालात की पहली वजह तालीम, तालीम कुरान और कुरान करीम से दूरी। हमारे हालात की दूसरी वजह मगरिबी तहजीब की नक्काली और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूरी। हमें नबी की सुन्नतें पसंद नहीं आई, नबी की तालीमात हमें पसंद नहीं आई, हमने हर कौलो फैल में, हर नकलो हरकत में, हर शोबे में अग्यार की, मुशरिकीन की, यहूद व नसारा की तहजीब, उनका तौर तरीका अपना लिया। यही वजह है कि हम हालात का शिकार हो गए। वो सहाबाए किराम थे कि जहाँ कहीं गए कामयाबी ने उनके कदम चूमे हैं, और एक हम हैं कि हम जहाँ कहीं भी है जिल्लती में है, पस्ती में है, और परेशानियों की चादर हम पर आ चुकी है। सहाबाए किराम के बारे में किसी ने क्या खूब कहा, बात क्या थी न पैसरो किसरा से दबे, बात क्या थी कि न पैसरो किसरा से दबे, चंद वो लोग जो ऊंटों के चराने वाले, जिनको होता था नमक पर काबूर का धोखा, बन गए सारी दुनिया की तकदीर बनाने वाले। ये सहाबे किराम की शान थी कि जहां कहीं गए फुतुहात और कामयाबी और सरफराजी सामने से उनके कदमों में आई है, क्योंकि उन्होंने सुन्नत रसूल के दामन को मजबूती से थाम कर रखा था, और हमने सुन्नत रसूल को ठुकराया, उससे मुंह मोड़ा। हम मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं, इस्लाम पर जुलूस भी निकालते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी का जायजा लें कि हमारी जिंदगी में जनाब रसूल अकरम सरकार दुआलम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी सुन्नतें हैं। न हमारे लिबास में, न चेहरे में, न हमारी औरतों ने पर्दे को अपनाया है। हमारा लिबास तो यहूद और नसारा जैसा है। किसरा के 2 कासिद नबी अलैहिस्सलाम के पास आए थे, दाढ़ी मुंडवा कर रखी, मूछें बड़ी बड़ी थी। आपने फरमाया क्या है, कहा हमको हमारे आपा किसरा ने ये हुक्म दिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझको तो मेरे आपा ने ये हुक्म दिया है कि मैं मूछों को मुड़ाऊं और दाढ़ी को बढ़ाऊं। इसलिए ये मजूसियों का तरीका है दाढ़ी मुंडवाना, और आज तो सारे लोगों ने अपना लिया है। एक अजीब वाकया सुने,
हजरत मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मदीना तैयबा के एक बुजुर्ग ने मुझे ये वाकया खुद सुनाया। वो कहते हैं मदीना तैयबा में एक बुजुर्ग है जो ऐसा बड़ा मकाम और मर्तबा रखते हैं कि जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाजिर होते हैं तो बातचीत का हम कलामी का शर्त नसीब होता है। तो वो बुजुर्ग कहते कि एक मर्तबा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुजूर आपकी आदत ये थी कि अगर कोई इस तरह दाढ़ी मुड़ा आपके पास आता तो आप उसको सलाम का जवाब नहीं दिया करते थे, अब तो आप कब्र हयात में चले गए हैं, कब्र में चले गए हैं, तो आपका हाल क्या है? फरमाया कि अब भी मेरा हाल यही है कि मैं ऐसे बंदे के सलाम का जवाब नहीं देता हूँ। बड़े अफसोस की बात। इसी तरह लिबास में हमने उनके तौर तरीके अपनाए, टखनों के नीचे इजार रखना, क्या ये नबी की तालीम है? बुखारी शरीफ की रिवायत है, मास्कल मिनल कामैन फिल इजारी फिन नार, के जो अपनी इजार को टखनों के नीचे लटकाएगा जहन्नम में जाएगा। और यही हाल हमारी औरतों का है कि शरीयत ने, दीन ने हुक्म दिया था कि पर्दा इख्तियार करे, लेकिन हमारी माएं और बहनें जो फातिमा और आयशा की बेटियां होने का दावा करती है, पर्दे के जनाजे निकाले या नहीं? बुरका भी तो ऐसा है कि जो नाम का है, वरना उसमें कहां वो चीज हासिल जो शरीयत ने मुतालबा किया था। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसा जमाना आएगा कि औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद बरहेन और नंगी होगी। मुहद्दिसीन ने इसके मुख्तलिफ मतलब बयान किए, या तो कपड़ा बिल्कुल फिट होगा, यह कपड़ा बिल्कुल मुख्तसर होगा, यह कपड़ा बिल्कुल बारीक होगा। तीनों बातें हमारे सामने हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ऐसी औरतें रास्ते में निकलेगी, मटक मटक कर चलेगी और उनके सर दूर से तुम्हें ऊंट की कोहान की तरह नजर आएंगे। फरमाया ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी सूंघ नहीं पाएगी चाहे 500 साल की दूरी से आ रही हो। तो हमारी पस्ती की, हमारी जिल्लती की दूसरी वजह मगरिब के तौर तरीके को अपनाना और फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मुंह मोड़ना। हमारी परेशानियों की तीसरी वजह आपसी इख्तिलाफ। हजरत अबू दर्दा से रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्या मैं तुमको ऐसी चीज न बताऊं जो नफली नमाज से, नफली रोजे से, नफली सदके से भी अफजल हो। देखिए नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज, क्या आप शौक दिलाना चाहते हैं? क्या फिर ऐसी तो कौन सी चीज है जो नफली नमाज से भी बेहतर है, नफली रोजे से भी, नफली सत्ते से भी? का जरूर बताए। आपने इरशाद फरमाया इस्लाहु ज़ातिल बैन, आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत को पैदा करना, नफरतों को मिटाना। उसके बाद फरमाया फसादु ज़ातिल बैन हियल खालिका, आपसी इख्तिलाफ, आपसी रंजिशे और अदावते ये तो मोड़ने वाले हैं। एक रिवायत में है कि मैं ये नहीं कहता कि ये बालों को मोड़ते हैं, बल्कि ये दीन इस्लाम का ही सफाया कर देते हैं। तो आज हमने मुख्तलिफ फिरके बना लिए, हालांकि कलमा तो एक ही है। होना ये चाहिए कि हम मुत्तहिद हो जाए, नफरतों को दूर कर दें। हमारी परेशानियों की चौथी वजह अखलाकी गिरावट। जिस नबी ने इस उम्मत के सामने बुलंद बाला अखलाक के नमूने पेश किए, जिस नबी ने यह फरमाया बुइत्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मैं बुलंद बाला अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया,
जिस नबी की पूरी जिंदगी में अखलाक के बेहतरीन नमूने हैं, आज वही नबी की उम्मत ने नबी के दिए हुए बताए हुए सिखाए हुए अखलाक को ठुकरा दिया, अगियार में उठा लिया और वो आज पूरी दुनिया में तहजीब याफ्ता समझे जाते हैं। और हमारा हाल यह है कि हमने अखलाक को गिरा दिया, हमारे अखलाक में इंतहाई दर्जे की गिरावट आ चुकी है, इसलिए हम परेशानियों का शिकार हो गए। अब आखिरी बात यह है कि इन परेशानियों का हल क्या हो, मुसीबतों से नजात कैसे हो, फितनों से छुटकारा कैसे मिले, चंद बातें बताऊंगा, यही हमारे पूरे मज़मून का खुलासा है। इसको सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि अमल के जज्बे को लेकर जाना है। पहली बात, सबसे पहले नंबर पर कि हम अपने अकाइद की, अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करें। दूसरी बात कि हम अहद करें कि आज के बाद से हमारी कोई नमाज बाजमात फौज नहीं होगी, इसलिए कि नमाज मजबूत किला है, जो इस किले में आ जाता है वो तमाम फितनों से महफूज हो जाता है। तीसरा काम, हम अपनी हैसियत और अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कुछ न कुछ सदका रोजाना किया करेंगे, चाहे 2 रुपये हो, 5 रुपये हो, इसलिए कि सदका बलाओं को टालता है, जितनी हमारी हैसियत। नंबर 4, हम दुआओं का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि दुआ उस बला को भी टालती है जो फिलहाल नाजिल हो चुकी है और उस बला को भी टालती है जो अब तक नाजिल नहीं हुई। इन्ना दुआ यन्फाउ मिम्मा नज़ल व मिम्मा लम यन्ज़िल। नंबर 5, हम जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेंगे। देखिए, अभी जुमा का दिन खत्म नहीं हुआ, जिन्होंने कर ली है अच्छी बात है, जिन्होंने अब तक तिलावत नहीं की है तो पूरा इरादा करें कि जुमा की नमाज के बाद या कम अज कम गुरूब से पहले हम इसकी तिलावत करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जानते हैं कि सूरह कहफ की तिलावत दज्जाल के फितने से बचाती है, जैसा कि आप जानते हैं, और दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। तो जब सूरह कहफ की तिलावत पर दज्जाल के फितने से हिफाजत है, तो ये जो फितने आजकल चल रहे हैं, तो दज्जाल के फितने के सामने बहुत मामूली है, इंशाल्लाह उससे भी निजात होगी। नंबर 6, कि हम जगह जगह दरस हदीस और दरस कुरान की मजलिसें कायम करेंगे, और जहाँ कहीं दरस कुरान दरस हदीस की मजलिसें हो रही हैं, हम उससे अपने आप को जोड़ ले, वाबस्ता कर ले, इसलिए कि कुरान की, अल्लाह और उसके रसूल की कुछ बातें हमारे कान के पर्दे से टकराएगी तो इंशाअल्लाह हमारे लिए हिदायत का रास्ता आसान कर देगी। और इसके साथ हम सोहबत अहलुल्लाह, अल्लाह वालों की सोहबत, उनकी हम नशीनी और उनकी मजालिस में शिरकत करेंगे, इसलिए कि उनका वजूद भी फितनों पर दरवाज़ा हुआ करता है। इंशाअल्लाह ये चंद बातें हैं जिन पर हम अमल कर ले तो मसाइब से, बलाओं से, परेशानियों से, फितनों से छुटकारा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम बातों पर अमल करने की मुझको, आपको, हम सबको तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।